The much-awaited Lipstick Under My Burkha is a bold and brutally honest film about the unbridled dreams of four women trapped in their lives owing to societal norms and stereotypes. Let's check out how the public are reacting to the film. बहुत अच्छी लगी और हमको लगता है हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि हम जिस माइंडसेट के साथ हैं पैट्रियार्की माइंडसेट में उसमें इस तरह का फिल्म का वेलकम होना जरूरी है और यू कैन ऑलवेज रिलेट टू दिस वीमेन बिकॉज वो वीमेन हो के भी ना वही बात करती है जैसे आप अपने एस्पिरेशन है कुछ ड्रीम है और आप पूरा नहीं करते कैसे एक्सटर्नल फोर्सेज आपके ऊपर हैं तो सेम वे ये लड़कियाँ भी हैं औरतें भी हैं तो सबको देखना चाहिए बेसिकली द कंसेप्ट वाज वेरी नाइस डायरेक्शन बहुत अच्छी थी प्रकाश झा ने डेफिनेटली अच्छा सब्जेक्ट लिया अलंकृता श्रीवास्तव वाज वेरी फेबुलस एक्टर्स बहुत अच्छे थे तो इट्स अबाउट अवेकनिंग ऑफ वुमेन नॉट ओनली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बट अवेकनिंग आल्सो था ओके लगता है आपको कि मतलब मूवी को देखने के बाद में लोगों को ये सोच बदलेगी कुछ एक मैसेज मिलेगा उनको देखने मुझे नहीं लगता कि फिल्मों को देखकर सोच बदलनी चाहिए एक प्रोसेस है सोसाइटी में क्या चल रहा है उसका एक मिरर है जो आपको देखने को मिलता है जो आप कभी कभी देख नहीं पाते हैं तो इट्स अबाउट रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी बहुत अच्छी मूवी है सब लोग जाके देखें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में आया है एक नए तरीके का डायरेक्शन है जो अलंकिता श्रीवास्तव ने दिया है प्रोड्यूसर प्रकाश झा जी ने एक बहुत अच्छा निर्देशन मतलब अच्छी तरीके से किया है इस पिक्चर के लिए ये एक बंद मुट्ठी के जो ख्वाब होते हैं जो हम लोग देखते हैं वो एक लड़की जो खोल दो ना तो उड़ जाती है ये वो टाइप का कॉन्सेप्ट है तो सब लोग जाके देखें आई सजेस्ट दैट इट्स अ मस्ट वॉच फॉर मूवी फॉर एवरी गर्ल एंड गाय आई डोंट थिंक इट्स वुमेन एम्पावरमेंट इट्स अबाउट वुमेन स्ट्रगलिंग फ्रॉम विद इन द बुरखा टू फाइंड दिस लिटिल कॉर्नर्स ऑफ happiness and to find little ways of realizing their dreams it's about that it's not really about it's not about empowerment it's not like in the end it's not like it's resolved and all these women who are struggling have found solutions they have not found solutions but they're struggling and that is what the film is about I felt bhi achhi thi bold hai thodi alag type ki movie hai message bhi acha tha matlab सेंसर को बैन कर देना चाहिए ये पिक्चर बैन होने वाली नहीं थी क्योंकि इसके अलावा भी बहुत गंदे गंदे सीन्स हम बहुत मूवी में देखते हैं और एक अच्छी तरीके से कोई प्रोजेक्ट करता है किसी मूवी को तो उसे रोकना क्यों भाई इसे तो आने दो लड़कियों को खुल के सामने आ देना ना अगर हम लड़के खुल के सिगरेट पी सकते हैं तो लड़की खुल के सिगरेट क्यों नहीं पी सकती एक चीज़ मेरे को बताई ना राइट टू इक्वालिटी की बात करती है हमारी गवर्नमेंट तो इस पिक्चर को रोकने वाली क्यों थी क्या चीज़ थी इस चीज़ में मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कितने स्टार देंगे आप 4 चार आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.5 प्लस 4.75 आईएनएस रिपोर्ट